श्री राजनाथ सिंह यादव टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल। माननीय सभापति जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 37 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुबद्ध पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा के सदन पटल पर रख सकते हैं। माननीय मंत्री जी, सर, आई मूव द फॉलोइंग दैट दिस हाउस डू टेक अप फॉर द कंसिडरेशन द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन एथिक्स ऑन कंप्लेंट डेटेड 15 अक्टूबर 2023 गिवन बाय डॉक्टर निशिकांत दुबे MP अगेंस्ट श्रीमती महुआ मैत्रा MP फॉर द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द कैश फॉर क्वेरी इन द पार्लियामेंट विथ रेफरेंस टू द एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ श्री महुआ मैत्रा MP लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस ऑन 8 दिसंबर 2023। सबको ओके ओके, वी डोंट हैव द कॉपी ऑफ द मोशन, वी डोंट हैव द सप्लीमेंट्री डिस्कशन। माननीय सदस्यगण, आज जिस विषय पर विचार किया जा रहा है वो विचार और प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है वो हम सबके लिए पीड़ादायक भी है, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब इस सभा को अपने प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उचित निर्णय लेने होते हैं। माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र नियमों उच्च मर्यादाओं से चलता है। ये सदन हमारे देश की सर्वोच्च पीठ है। पिछले 75 वर्षों की हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में हमारे सदन की, हमारे लोकतंत्र की एक ऊंची मर्यादा स्थापित हुई है। पूरा देश उच्च संसदीय परंपराओं के लिए हमारी ओर देखता है। इन्हीं उच्च परंपराओं की बदौलत हमारे लोकतंत्र की पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान है। माननीय सदस्यगण, पिछले 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में हमारा लोकतंत्र निरंतर सशक्त और परिपक्व हुआ है। जनता के बीच हमारी विशिष्टता लगातार बढ़ी है। जनता ने हमें इसलिए चुनकर भेजा है कि हम सदन में बैठकर उनके विकास के लिए, उनकी कल्याण के लिए, उनकी आशाओं के लिए, उनकी आकांक्षाओं को इस सदन में बैठकर पूरा कर सकें। लेकिन हमारे लोकतंत्र की इस गौरवशाली यात्रा में समय समय पर हमारे ऐसे अवसर भी आए हैं जब हमने इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा, सदन के उच्च मापदंडों को बनाए रखने के लिए उचित निर्णय भी किए हैं। इस सदन के उच्च मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्य ऐसे मूल सिद्धांत है जिसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम शुद्ध अंतःकरण से, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। हम अपने उच्च आचरण में शुद्धता रखें, शुचिता रखें, अपने व्यवहार को से किसी प्रकार का कोई को कष्ट न हो, हमारे व्यवहार से, हमारे कार्य में कोई संदेह न हो, हमारा आचरण ऐसा न हो जिससे कि लोकतंत्र की
उच्च मर्यादा और प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचे। इस सदन की विशेषता और उच्च मापदंड को बनाए रखने, उन्हें समर्थित करना इस सदन के सदस्य रूप में हम सबका सामूहिक और सर्वोच्च दायित्व है। माननीय सदस्यगण, मैं समझता हूँ हम सब यहाँ पर जिस बात पर विचार करने जा रहे हैं वह हम सब के सामूहिकता से विचार कर रहे हैं, सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं, संवेदना के साथ विचार कर रहे हैं। हमें किसी भी सदन में किसी भी सदस्य को मेरी कोशिश रहती है न मैं सदन से उसको निलंबित करूं, कभी कोई कार्रवाई करूं। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिले। समय समय पर मैंने कोशिश भी की कि सदन की मर्यादा बनी रहे, और उस मर्यादा बनाने के लिए कुछ कठोर निर्णय भी करने पड़े तो सदन की मर्यादा के लिए करने पड़े। और इसीलिए आज भी हम जो भी चर्चा कर रहे हैं उसमें मर्यादा, सदन की गरिमा हम सब के लिए सबसे ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में हम सबको इस सदन के गौरव, सम्मान, नैतिकता और अस्मिता को अक्षुण्ण रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे आशा है इस विषय पर जब हम चर्चा करें तो सदन की मर्यादा, उच्च कोटि की मर्यादा और पूरे देश में इस सदन के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बना रहे, और व्यक्तिगत रूप से भी जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है हम व्यक्तिगत आचरण में भी हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम लोकतंत्र की उच्च मर्यादा को कायम रख सकें। मैं नियम 316(e)(2) के विषय पर अधिकतम आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देता हूँ। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि थोड़ा ये टाइम तो बढ़ाइए ना प्लीज। ठीक है, आधा घंटा में सब पार्टी बोलना चाहिए। अधीरंजन चौधरी जी। सर, आपने अपना पीड़ा जताई और ये सुनकर हमें ये यकीन हो रहा है कि कम से कम कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, हमारे स्पीकर साहब एक कस्टोडियन की होने के नाते सही दिशा पे सही निर्णय जरूर लेंगे। सर, मैं छोटी सी दो तीन बात कहूँगा, क्योंकि हमारे पार्टी की तरफ से मनीष तिवारी जी इस पे अपना बात रखेंगे। सर, मैं इच्छे ये कहना चाहते हैं कि 12 बजे की बाद आज ये पेपर, मतलब ये रिपोर्ट ले हुई है, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, और 2 बजे के साथ साथ सर अपने इस मुद्दे पे चर्चा शुरू कर दी है। सर, ये पेपर जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं सर, वो दिखाने की मैं कोशिश करूँगा आपको। ये सर देखिए 106 पेजेस है, और सिर्फ यही नहीं, सारे एनेक्सचर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। सर, मुझे ये सवाल करने आता है कि कोई ह्यूमनली, मतलब कोई हमारे कोई मेंबर जो भी हो, इतना जल्दी में, मतलब 2 घंटे की मोहलत, और ये 2 घंटे भी नहीं हुई है 12 बजे की बाद यहाँ से निकलना, इसको डाउनलोड करना, करते करते आधा घंटा पौने घंटे निकल चुके हैं, फिर सर 406 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले, और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं, आप बताइए। ये भाई सब एक कॉमन सेंस पे आधार पर मैं ये पूछना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप मेरा तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से सर आपसे ये मांग भी रखी है कि 3-4 दिन की मोहलत अब दिया करो, और इस बीच हम सही ढंग से पढ़े, विचार विमर्श करें, और फिर सदन में आकर एक सही ढंग से चर्चा कर, जो आप चाहते हैं मर्यादा को
रखते हुए उच्च कोटि मर्यादा का पालन करते हुए हम सदन में विस्तार पर चर्चा करें, क्योंकि सर ये एक छोटी मुद्दा नहीं, ये एक नज़ीर बन के जाएंगे, ये नया सदन एक नज़ीर बनाने जा रहे हैं। इसमें सर ये नज़ीर में कोई खामियां ना रहे। सर मैं एक छोटी सी बात मान ली, सर कोई न्यायालय में भी अगर किसी को साजा होता है, वो भी मौत की साजा होते हैं, तो न्यायालय पूछते हैं कि भाई आपको कुछ कहना है, जिसको हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। सर देखिए ऑडी ऑल्टेरम पार्टेम ये एक शब्द निकालते हैं सर हमारा रूल से, कि मतलब ये कि ये जिसके खिलाफ कोई मतलब शिकायत है, ये नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे कि मोहम्मद को नाम लिए गए, जिक्र किए गए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं, आप खुद बताइए सर, मैं आपकी विचार पर ये छोड़ रहे हैं। और साथ साथ सर ये नया सदन ऐसा ना करे कि नया सदन एक नए कलंकित अध्याय की आगाज ना करे, ये मेरा शंका है सर। जिस सदन में महिला को महिमंडित किया जाता है सर, दिस हैज टू बी एक्सपंज्ड रोजाना महिला को सर, सर महिला को गुणगान किया जाता है, महिला ये क्या चल रहा है सर, तो चर्चा और जिस सदन में चर्चा और सदन मेरिट पर चलना चाहिए सर, प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिला रिपोर्ट में जो है उसका चर्चा चलना चाहिए। और जब 2005 में 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, उसी दिन रिपोर्ट दिया गया था, और उस टाइम भी 10 लोगों को इधर अपने बात रखने का मौका नहीं दिया गया था, ये रिकॉर्ड पर है। आज जहां तक मैं जानता हूं, उस माननीय सोमनाथ चटर्जी ने उसके ऊपर रूलिंग दिया गया था, ये क्या बात करे। और कलंकित वगैरह जो हुआ है, सारे देश इतना बड़ा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इतना बड़ा दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, अभी 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 हमारे हमारे पूरा डेमोक्रेसी का जो एक कलंक है, वो कलंक के बारे में वो बात करो, सुनने का हिम्मत नहीं है क्या करें। अरे हम क्या ज्यादा कुछ मांगे हैं, यह रक्षा मंत्री जी है प्लीज। मनीष तिवारी जी हो या नहीं इनका विषय, एक मिनट राम गोपाल जी प्लीज। अध्यक्ष जी, मुझे 31 साल वकालत करते हो गए, और कई बार ऐसा मौका आया है कि जल्दी में बहस करनी पड़ती है, पर शायद आज पहली बार किसी कागज़ को बगैर संज्ञान में लिए मैं बहस करने के लिए खड़ा हुआ। ये बड़ी विडंबना है कि 12 बजे पटल के ऊपर रिपोर्ट रखी जाती है और 2 बजे उसकी बहस लगा दी जाती है। जैसे अधीर रंजन जी ने कहा, हेवंस वुड नॉट हैव फॉलन, आसमान नहीं गिर जाता अगर 3-4 दिन हमको दे दिए जाते कि इस कागज़ को, ये जो रिपोर्ट है, इसको संज्ञान में लेकर इसको पढ़कर अपनी बात एक अच्छे ढंग से हम इस सदन के समक्ष रख सकते, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामले के ऊपर ये सदन फैसला करने जा रहा है। पर अध्यक्ष जी, मैं 4-5 चीज़ें जो बहुत ही बुनियादी हैं और जो नेचुरल जस्टिस से और जो मौलिक अख्तियार हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर मैं ज़रूर अपनी बात कहना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है अध्यक्ष जी, दैट कैन द प्रोसीजर ऑफ द एथिक्स कमिटी ओवरराइड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विच इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ एवरी जस्टिस सिस्टम इन द वर्ल्ड। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने जो अखबारों में पढ़ा उससे बहुत साफ तौर पर यह चीज निकल के आई कि जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर है, ये किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है। और इसलिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं,
जिसको अभियुक्त बनाया जाता है उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ना सुश्री मुहा मित्रा को और ना उनके किसी वकील को, उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया गया। मेरा दूसरा सवाल यह है अध्यक्ष जी, मैंने रूल जो 316 डी है, रूल 316 डी ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसको ध्यान से पढ़ा है। उसमें ये लिखा है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी शैल बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। अब मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं कि फौजदारी के कानून में दो चीजों में फर्क है, कन्विक्शन और सेंटेंसिंग में फर्क है। जो एथिक्स कमिटी है वो ये तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, पर एथिक्स कमिटी ये सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए। दिस अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन, दैट पावर लाइज विद दिस हाउस। द एथिक्स कमिटी एट बेस्ट कैन मेक अ रिकमेंडेशन दैट वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और अ पर्सन इज इनोसेंट। इट इज दिस हाउस सिटिंग एज अ ज्यूरी विच हैज द पावर्स टू डिसाइड द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, मिस्टर स्पीकर। सो देयरफॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द एथिक्स कमिटी इज फंडामेंटली फ्लॉड इन माई रिस्पेक्टफुल सबमिशन। ओके, तीसरा अध्यक्ष जी, आज सारी पार्टियों ने थ्री लाइन व्हिप इशू किया है। मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं, टुडे दिस हाउस इज सिटिंग एज अ जज एंड अ ज्यूरी इन एन इंपीचमेंट प्रोसीडिंग, और व्हेन यू आर कंसिडरिंग द रिपोर्ट ऑफ द प्रिविलेजियस कमिटी और यू आर कंसिडरिंग द एथिक रिपोर्ट ऑफ द एथिक्स कमिटी, कैन अ पार्टी डायरेक्ट its members to vote in a particular way? Can a whip even be issued? Because this is like directing a judge to decide a matter in a particular manner. This is a complete diversity of justice. First of all, Mr. Speaker, sir, this house should be adjourned. All the whips should be withdrawn from all the sides, because we are not sitting as ordinary members of this house. We are sitting as judges in a jury in order to decide the fate of one of our honorable colleagues, and I am afraid that cannot be done through whip driven tyranny. Okay, so therefore this the adhyaksh ji, abhi main khatam nahi hua, abhi to bunyadi sawalon ke upar hu, report pe to main aaya bhi nahi hu, zara sun lijiye kyunki ye bahut hi bunyadi sawal hai. मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, टुडे वी आर सिटिंग एज अ कोर्ट, वी आर नॉट सिटिंग एज पार्लियामेंट, टुडे वी आर सिटिंग एज जजेस टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ आवर कॉलीग्स, वी आर नॉट सिटिंग एज पार्लियामेंट टुडे, वी आर सिटिंग एज अ जज एंड अ ज्यूरी, देयर इज अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। प्लीज एक मिनट, माननीय सदस्यगण, ये संसद है, ये कोर्ट नहीं है, ये आप सीनियर हैं, आप क्या बोल रहे हैं ये आप देखें, आपके बहुत बहुत विनम्रता के साथ, नौ साढ़े छह, मैं न्यायाधीश नहीं हूं पार्टनर, अध्यक्ष जी न्यायाधीश नहीं हूं, अध्यक्ष जी सभापति हूं, अध्यक्ष जी मैंने पिछले साढ़े चार पौने पांच साल में कभी आपकी बात नहीं काटी, आपकी हर रूलिंग को सर माथे पर रखा है, पर आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर मुझको आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक संसद के रूप में नहीं बैठे हैं। टुडे वी आर सिटिंग एज अ ज्यूरी, वी आर सिटिंग एज जजेस टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ आवर कॉलीग्स। माय नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर स्पीकर सर, माननीय सदस्य एक प्लीज, इस जुडिशियली में और सभा में अंतर है, आप वरिष्ठ अभिवक्ता हैं, मैं यह निर्णय नहीं कर रहा, यह निर्णय सभा कर रही है, आप नो गलत तरीके के तर्कों को यहां पर मत रखिए, नो ये रिकॉर्ड में जाती है चीजें, आप गलत तरीके से, मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं सभापति हूं,
और निर्णय करेगी, सभा निर्णय करेगी। ने दिया और हमने किसी के लिए ऐसे ही आपने कहा, इसलिए आपने मेरी बात थोड़ी कहा है कि ऐसे ही वोट करो, हमने तो विप दिया। एक मिनट प्लीज, एक मिनट बैठिए। ये सभा निर्णय कर रही है और जब सभा निर्णय करती है तो सभा निर्णय करती है। प्लीज जी, मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ एक बात पूछना चाहता हूं, क्या एक न्यायमूर्ति को या न्यायाधीश को ये कहा जा सकता है कि नहीं, बी डायरेक्टेड टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर? आप 10th शेड्यूल के तहत जब व्हिप इशू करते हैं, यू आर वर्चुअली डायरेक्टिंग योर मेंबर्स टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर। दिस इज द कंप्लीट एंटीथीसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। इट इज द कंप्लीट एंटीथीसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। द fundamental principles of natural justice are being thrown to the winds in this house. I would urge you Mr. Speaker sir, that the whip needs to be withdrawn because we are sitting as a jury. The whip needs to be withdrawn. Aap abhi disturb adhyaksh ji maine apni zindagi mein kabhi aisa nahi dekha hai ki jab koi sabha nyay karne baithi ho, न्यायमूर्ति के रूप में बैठी हो, तो एक व्हिप के माध्यम से उनको यह हिदायत दी जाए कि आपको फैसला एक तरीके से करना है, अपना विवेक, अपना कॉन्शियंस, अपना सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके नहीं करना, एक पर्टिकुलर तरीके से फैसला करना है। हिना गावित जी, मैं देखिए जी अगली बात पे आता हूं। एक मिनट आप कंक्लूड कर दो अध्यक्ष जी। संविधान की धारा 105, आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आई वॉन्ट टू रीड आउट आर्टिकल 105 टू मिस्टर स्पीकर सर। आर्टिकल 105 टू सेज नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड or any vote given by him in parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament of any report, paper, vote or proceedings. Mr. Speaker sir, 105(2) was inserted into the constitution in order to give complete immunity, I stress the word complete immunity, to a member for anything said or done in the house, and his conduct cannot even be called into question in a court of law. So the question is, when your conduct cannot be called into question in a court of law, can your conduct be called Hina into Gavi question ji. In this august chamber, can this mananiya sabhapati mahoday, bahut dukh ho raha hai ki aaj hame ऐसे विषय पर यहाँ एक सेकंड आप बोलिए, इतने दीजिए। अध्यक्ष जी, माय हम्बल सबमिशन इज, कैन दिस ऑगस्ट हाउस ओवरराइड द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया व्हिच हैज ब्रॉट दिस हाउस इनटू एग्जिस्टेंस? एंड द आंसर इज नो। आर्टिकल 105(2) गिव्स इम्यूनिटी, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फॉर एनीथिंग डन इन द हाउस। एंड माय लास्ट पॉइंट मिस्टर स्पीकर सर, when the Supreme Court of India interpreted Article 105(2) in P.V. Narasimha Rao's case, they clearly and absolutely said that anything done in this house, even if it is allegedly actuated by bribery, cannot be called into question in any court of law. So therefore, Mr. Speaker sir, these proceedings should not have been held, and I would urge you to withdraw. बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ संसद में चर्चा करनी पड़ रही है। हमारे विरोधी पार्टी के साथियों ने कहा कि एक ही दिन में रिपोर्ट लाए, एक ही दिन में आप चर्चा लाए, तो उन्हें मैं याद करवा दूँ 2005 में सेम डे रिपोर्ट उनकी सरकार थी, सेम डे रिपोर्ट आया था और 10 सांसदों को सेम डे इन्होंने निकाला था। तो जो हमें सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने यही 2005 में किया था। अभी सर, ये पहली बार इस उस समय संविधान की धारा 105 नहीं थी।
सर यहाँ देश में ये कोई पहली बार ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ। 1951-52 में श्री मुदगल जी जो उस समय माननीय सांसद थे उन्हें पैसे लेने के आरोप में संसद ने निकाला था, और ये आज जो इंसिडेंट हो रहा है इससे पहले 13 सांसदों को इसी तरह निकाला गया है। लेकिन आज का ये जो माननीय सांसद महुआ मोइत्रा जी का जो प्रकरण है ये और पिछले प्रकरणों में ज़मीन आसमान का फर्क है। इसमें कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसमें बिजनेसमैन एग्जिस्ट करते हैं, और मिस्टर हीरा नंदानी जिनका नाम रिपोर्ट में आया हुआ है, मैंने तो 2 घंटे में रिपोर्ट पढ़ी है, पता नहीं इतने सब विद्वान यहाँ बैठे हैं कैसे 2 घंटे में वो रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। मैंने पूरा रिपोर्ट 2 घंटे में पढ़ा और उसमें मिस्टर हीरा नंदानी जो बिजनेसमैन है जिनकी कंपनी का इंटरेस्ट है और जो प्रमुख रूप से 5 सेक्टर्स में उनका इंटरेस्ट है, टेलीकॉम, शिपिंग, रियल इस्टेट, पेट्रोलियम और पाइपलाइन। अभी जो माननीय सांसद जिनके विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जब से इस सदन की वो सदस्य बनी है तब से आज तक उन्होंने 61 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस 61 क्वेश्चंस में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में इन्हीं मिस्टर हीरा नंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। और इतना ही नहीं तो 47 टाइम्स दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ये भी यहाँ रिपोर्ट में है। 6 बार यूके, यूएस, नेपाल यहाँ से अकाउंट लॉगिन होके क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। और ये चीज़ खुद माननीय सांसद महोदया ने एथिक्स कमिटी के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि उनका आईडी और पासवर्ड ये उन्होंने खुद मिस्टर हीरा नंदानी को और उनके कंपनी के लोगों को दिया था। तो यहाँ जो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं उन्हें मैं याद करवा दूं कि एथिक्स कमिटी के सामने माननीय सांसद महोदया को पूरा मौका मिला, उनकी बात रखने का मौका मिला, और मिस्टर हीरा नंदानी जो इस कंपनी के प्रमुख है और जिनसे जिनके पास से गिफ्ट्स और पैसे लेने के जो आरोप यहाँ पे थे उसमें मिस्टर हीरा नंदानी ने खुद एफिडेविट कर एथिक्स कमिटी को दिया है, और वो जो एफिडेविट उन्होंने किया है वो इंडियन एम्बेसी के डेप्यूटी काउंसिलेट जनरल जो दुबई में है उनके सामने शपथ लेकर उन्होंने ये एफिडेविट किया हुआ है। इसी के साथ मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि यहाँ बार बार जो बात हो रही है कि नेचुरल जस्टिस की, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग सांसद बनते हैं, सांसद बनने के बाद हम सबको मेंबर्स पोर्टल पर एक रूल्स के तहत आईडी और पासवर्ड देने का एक फॉर्म मिलता है। हम सभी सांसद चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के, वो फॉर्म पे साइन करते हैं और उसमें रूल्स में लिखा हुआ है कि हम हमारा आईडी और पासवर्ड किसी को शेयर नहीं कर सकते। ये रूल्स में लिखा है, हर संसद सदस्य उस पे साइन करता है, हम सब ने साइन किया हुआ है। और यहाँ पर जो माननीय सांसद महोदया है उन्होंने तो खुद ये मान्य किया है कि उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया, ये पहली बात। दूसरा, एक ही दिन में उनका अकाउंट लॉगिन होता है दिल्ली में, दुबई में, बेंगलोर में और यूएस में, 4 अलग अलग शहरों से यहाँ पे उनका अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप खुद रूल्स तोड़ रहे हैं, आप माननीय सांसद है, आपने खुद एक फॉर्म साइन करके जो चीज़ आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है वो आप खुद 4 अलग अलग लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने खुद यहाँ प्रूव हो चुका है। सर, ये पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, ये संसद की मर्यादा का सवाल है। हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को यहाँ रिस्पेक्ट करना ये हमारा काम है। जब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं या उनकी तरफ से जो कह रहे हैं, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। इससे एक मैसेज ये जा रहा है कि सांसद अपने सवाल खुद नहीं पूछते, कोई और उनको पूछने लगाता है।
उनकी चिट्ठी खुद नहीं लिखते, कोई और उनको चिट्ठियां लिख के देता है, अपने भाषण खुद नहीं लिखते, कोई और उनको लिख के देता है, और इतना ही नहीं अगर कोई उनको पैसे दे तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सदन में सवाल पूछते हैं। इस तरह से सभी सांसदों की इस एक इंसिडेंट के कारण छवि खराब हो रही है। मैं यहाँ आपको ये बोलना चाहूंगी कि माननीय सांसद के इस अनएथिकल कंडक्ट के कारण आज सभी सांसदों की छवि ये देश भर में खराब हुई है, केवल देश भर में ही नहीं दुनिया भर में यहाँ खराब हुई है। अभी यहाँ पे कोई द्रौपदी का चीरहरण की बात कर रहा है, अलग अलग देवियों का नाम लिया जा रहा है। हम सब यहाँ सांसद है, फीमेल मेल इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम लोग हमारे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते हम यहाँ आके बैठते हैं। हम यहाँ जब आते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं कि हम ये पार्लियामेंट की मर्यादा रखेंगे, हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का सवाल पूछेंगे, और हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि के नाते यहाँ आके बैठते, ना कोई प्राइवेट एंटिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट बनके। तो मुझे यहाँ आपके माध्यम से यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूँगी बड़े ही विनम्रता से कि यहाँ एथिक्स कमिटी ने रिस्पोंडेंट को भी सुना है, कंप्लेनेंट को भी सुना है, एफिडेविट का भी पूरा यहाँ पे अभ्यास हुआ है, और नेचुरल जस्टिस की जो बात हो रही है जिन पे आरोप लगे हैं उन्हें भी वहाँ पे कमिटी ने पूछा, और जो यहाँ पे बार बार अपमान की बात वो लोग करते हैं। तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि मैंने जब मैं पूरा रिपोर्ट पढ़ रही थी तो रिपोर्ट में माननीय सांसद महोदया से जो एफिडेविट प्राप्त हुआ है वो एफिडेविट के कंटेंट से रिलेटेड ही सवाल उनसे पूछे गए, उन्हें कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा गया जिनसे उनको ये लगे कि हमारा यहाँ पे चीरहरण हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे विनम्रता से अनुरोध करूँगी कि कमिटी ने यहाँ पे जो प्रस्ताव रखा है उसमें कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ रखे हैं इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए, और हमें ये देश को और पूरी दुनिया को हमें ये मैसेज देना है, हमको ये उनको बताना है कि यदि इस संसद का कोई सदस्य अनएथिकल कंडक्ट करता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के बाहर काम करता है, तो ये सदन वो सदस्य को सदस्यता से बाहर निकालने का काम भी ये सदन कर सकता है। एंड नोबडी इज अबाउट द लॉ ऑफ द लैंड। धन्यवाद। कल्याण बनर्जी जी सर, एलिगेशंस अगेंस्ट मोहा मित्रो हैव बीन placed by the honorable member just now, I heard. So who can be the best person to reply to these allegations? It is the parliament. It will be on record that speech. But if Mohamaitra be not allowed to deliver her explanation, the parliament's idea would not be fulfilled. So I would request you, sir, from our party, as a speaker, Mohamaitra be allowed to speak. पहले कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। No. What I propose, my party's spokesperson will be Mohua Moitro herself, because allegation is against her. Wild allegations have been raised. Whether it is true or wrong, let it be spoken by her, sir. Sir, you have said the house has. सर मान्य जो सदस्य का निष्कासित आज प्रस्ताव आ रहा है जिसके रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो एथिक्स कमिटी के द्वारा पूरा चर्चा हुआ है और सभी बिंदुओं के बारे में विचार विमर्श हुआ है और समिति ने आज अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आपके द्वारा आपके अनुमति के साथ रखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूँ इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर करी में। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे एमपी अंदर ही बैठे थे तब रिक्वेस्ट किया गया इन लोगों को भी अपना समर्थन देने के लिए कृपया आप अनुमति दे, तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था जो इंक्वायरी कमेटी था इस कमेटी के सामने पेश हुए थे इनका पूछताछ हुआ है
पूरा कमिटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है, इसलिए अनुमति दिया नहीं गया था। अभी भी ये सवाल नहीं है, ये तो अनएथिकल सवाल नहीं उठना चाहिए। कल्याण मनोजी जी, कल्याण नौ पुरानी परंपराएं मेरे पास भी पड़ी हुई है, जिसका मेंशन संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है, हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय सोमनाथ जी चटर्जी, प्रणब मुखर्जी यहाँ पर थे, उन सब की रिपोर्ट पुरानी केस फोर्ट इस विषय पर हुई थी, और उस पर उन्होंने अध्यक्ष ने जो परंपरा नियम या जो रूल्स देते हैं वही हमारे रूल्स नियम जाने जाते हैं, और उस समय माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने यहाँ पर ये कहा था कि जो माननीय सदस्य जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनको कमेटी में बोलने का पर्याप्त अवसर पर्याप्त मौका रहता है, और नौ मैं रिकॉर्ड रख के टेबल पर बात करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करता हूँ मैं, आप अगर डिबेट करेंगे तो मैं एक एक लाइन पढ़ के सुना दूंगा, मैं रिकॉर्ड बोलता हूँ, और यहाँ पर इस सदन में एक मिनट प्लीज, इस सदन में परंपरा रही है कि जो पुराने अध्यक्षों के जो कुछ भी परंपराएं हैं उनको नए अध्यक्ष हमेशा परंपराओं का पालन करते हैं, ये उनके होते हैं, और स्पीकर का डायरेक्शन का एक बुक है जी, पढ़ के देखो। आप नहीं बोल रहे कल्याण जी, आगे बुलाऊं? हाँ हाँ बोलिए, सुदीप जी बोल रहे, सुदीप जी बोलो। ऑन दिस हाउस इन पार्लियामेंट हर स्पीच हैज बीन रिकॉर्डेड and it is now the property of the house, but against whom you are going to expel from 17th Lok Sabha, it is known to everybody. Today they have placed the report in parliament, but the whole report has been exposed to the media long time before. It is nothing new. It is the only ethics committee who have done this wrong. They have exposed it to the media. Media exposed the report. It is not that they are submitting the report today. So against Mahua, report has been placed. One speaker has said so many allegations. What's the harm to give her a small hearing? Minimum for 10 minutes? Let her allow. Let her speak once before you are going to expel her. Why not she will be allowed to speak for a few minutes? What's wrong in it, sir? So I urge upon you with folded hands. Let Mahua speak on behalf of Trinamool Congress Party as a speaker of our party. Sir, एक मिनट। सुदीप बंदोपाध्याय जी, आप वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, आप भी वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, उस समय आप भी माननीय सदस्य थे यहाँ पे। एक जब परंपराएं हैं और पूर्वती अध्यक्षों ने जो कुछ भी रूलिंग जो कुछ भी अपने वक्तव्य में देते हैं उसको हम बोलते हैं अध्यक्ष निर्देश, और उस अध्यक्ष डायरेक्शन को हम हमेशा पालन करते आए हैं और उसको एज ए रूलिंग की तरह मानते हैं, ये हमारी परंपरा रही है। मैं आज कोई नई परंपरा स्थापित नहीं कर रहा, कोई नई पार्टी उपस्थापित नहीं कर रहा, अगर ये परंपरा रहती और मैं नई परंपरा स्थापित करते तो आपको बोलने का अधिकार था, मैं मना नहीं कर सकता था, लेकिन आपने परंपराएं लागू की है, आपने परपाटियां लागू किए। हाँ हाँ बोले सर। सर मैंने सर आपको बहुत पहले चिट्ठी भी लिखी है सर, ये जो बात किए जाते हैं वो स्टिंग ऑपरेशन थी, वो स्टिंग ऑपरेशन किए थे एक जाने माने न्यूज साइट कोबरा पोस्ट, और उसके चलते सारे छवि सबके सामने सारे तस्वीर स्पष्ट थी वो, सर चौक और चीज एक ना करे तो बेहतर है सर। ओके सर, सर इतिहास है, आज आज सर एक कलंकित अध्याय आप मत रचा करो सर, सर महिलाओं के कल्याण जी, तुम्हें कल्याण जी सर उनको अलाउ कीजिए, नो काइंडली अलाउ ही।
ने कल्याण जी आप आप कल्याण बोले तो मैं नेक्स्ट को बुलाऊंगा ऑन रिकॉर्ड रखते हो ऑन रिकॉर्ड रखते हो ऑन रिकॉर्ड रखते हो ना पार्टी के ऑन रिकॉर्ड रखते हो कल्याण जी आप बोलिए बोलवो सुनिता बोलो यस सर इंसिस्ट करते पड़छे द ऑनरेबल स्पीकर काइंडली सी दैट द fair trial only would be there when an affected person is being heard. If an affected person is not heard, there cannot be any fair trial. There cannot be any fair trial. This is the house, maybe parliament, sir, with great respect to you, whatever I am saying, kindly do not take any exception. May it's a parliament, it's a house members, but today all we are deciding the right of a person. When we are deciding the right of a person, we are all acting as a quasi-judicial body. And before a quasi-judicial body, a affected person should be heard. Sir, I will request you, kindly allow Mohua Moitro to be heard. That is the request I am going on making. Sir, if this is a disturbance, sir, when we speak, then... No. Then... No. Please. Against us would be privilege would be there. Against us, everything would be there, and there they will be going on disturbing everything every day. Sir, you see, fundamental principles of law that a person whom against whom a charge has been brought, and the persons who are bringing the charges, that should be established in accordance with the procedure of law. Sir, here, this case will clearly reveal that. Because of who is the main man was Darshan Hiranand Nandani, who has relied upon his statement. His name is Jai Anand Dehadri, who has brought it, one of the Honorable MP Nishikant Dubey. On what basis it is going on? It is going on the basis of Darshan Hiranand Nandani. His affidavit has been brought. Sir, before the committee even, Darshan Hiranand Nandani was not brought as a witness, brought not as a witness, and he has not testified. This is his affidavit. This is his affidavit. This affidavit, no affidavit can be relied upon unless a person comes and say, this is my affidavit. Whatever I have said in the contents, these contents are correct, and what I am saying. Thereafter, sir, in a quasi-judicial proceeding, right of cross-examination is a fair hearing. Sir, right of hearing is not a fanciful, is not a right of fanciful. It has to be made meaningful right. It has to be made meaningful right. Whenever they are making the allegation, whether it is a Dehadri or the Darshan Hiranandani or the Nishikant Dubey, that's where, sir, Mohua Moitro was having, he was having a right to cross-examine each and every three persons. That has not been allowed. Sir, it is not the point. What has happened earlier? What has happened earlier? This is not the point. Point is that, sir, law is not in remain in an island. Law is being developed in our country because of the interpretation of the law by the Supreme Court of India. It has been clearly said by the various judgment by the Supreme Court, the affected persons has not been given to defend himself or herself in a proper manner, in a right manner, then it's not a case, sir. It is not, this is a violation of the principles of natural justice. What is the violation of principles of natural justice? Principles of natural justice is implicit in Article 14 of the Constitution of India. Article 14, it is implicit in the Article 14 of the Constitution of India. Therefore, not only the right of hearing is violated, sir, Mohua Moitro's right, as protected under Article 14 of the Constitution of India, has been violated by the Ethics Committee vis-a-vis today by the House itself. There was a violation, constitutional violation is being made. Sir, kindly see. Repeatedly it is being referred regarding the bill, sir. 2005 Casper Quarry case, kindly come to report page 18. In the page 18, it has been said, under serial number 212,
श्री पवन कुमार बंसाल वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द सेट कमिटी कमिटी एग्जामिन श्री अनुरुद्ध बहाल मैसेज सर आपको टाइम देना होगा सर टुडे सर टाइम देना होगा सर आई हैव राज सर अनबासर मैं सुशानी राज एंड श्री कुमार बादल ऑफ द पोर्टल कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन स्वयं सो वॉज एंड मेंबर हैव बीन एग्जामिन दे हैव बीन एग्जामिन हियर सर द देसा द हीरानंदानी has not been examined at all. Hiranandani has not been examined. It is not, it is just an IWAS, please, sir. Sir, if you are the honorable minister, always you have a right, but kindly do not, excuse me. Sir, this has been, he has a right. Okay. Now, Mudgal, sir, give me time, sir. Please give me time. Can you have not allowed Mohua Mohitra to speak. Kindly allow me to speak, sir. Now, sir, kindly come. This report, speaks about I am coming sir what is the kindly come serial number 43 it has been said that quoted his car who has saying Darshan Hiranandani has not said okay. What Joy has said everything has okay. Been hidden here sir please sir that sir I am coming sir other points are there kindly wait kindly give me a chance today I am just praying before you kindly render justice to me aap ek minute baat ke dein not ek shabd mein nahi hoga ek minute baat ke dein sir sir it has been sir you see relied upon this section 43 of the information and technology act said it's a violation of section 43 where is the section 43 has said if a password even let's assume for the argument sake allegations are correct what is section 43 has said if password is given to anyone it's an offense under the information and technology act if anyone uses my computer without my consent then section 43 is applicable here this has not been done sir okay. Now sir please for God's sake please sir kindly see the point is here is the finding kindly see finding is the recommendation is kindly give me this chances kindly see the recommendation conclusion is sir the proof it has been proved cash has been taken where is this finding on facts how much cash there is no finding based on evidence now I am coming a very okay. Important sir I am coming a very important question I will conclude sir I should have given a chance bologe aap today I am concluding sir with great kindness with great respect to the honorable speaker with great respect to the all the members of this house does not have power to remove someone as a member constitution has provided provision for disqualification this disqualification has been provided by the constitution under article 102 and 10th schedule of the constitution it is not coming within that sir you are having the power to suspend under rule 374 of the rules of the parliament itself therefore let's assume for argument's sake okay. There is no power of removal okay. By the house itself to remove the to expel and or to remove the Mohua Mitra constitution does not permit rule does not permit even any precedent has been done okay. That's contrary to the rules that's Mane, contrary to the precedent no rule can stand sir above the constitutional provision main do baatein aapko spasht karna aap sab varishth sadasya hain aise to aur varishth sadasya ka anubhav bhi hai मुझे बार बार कह रहे हैं कि जस्टिस नहीं हो रहा न्याय नहीं हो रहा एक पार्लियामेंट का प्रोसीजर नियम प्रक्रिया बनी हुई है नियम प्रक्रियाओं के तहत जो कमिटीज होती है उस कमिटीज के अंदर चर्चा होती है एविडेंस होते हैं पक्ष विपक्ष सुने जाते हैं वो कमिटी का प्रोसीजर है ये पार्लियामेंट में उस प्रोसीजर की पालना नहीं होती कि आप किसको बोलने का न्याय नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम उस कमिटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं
आप फिर समझे बात को, हम कमेटी के प्रस्ताव पर जाए, ये चीज़ें होना चाहिए कमिटीज पर। कमिटी एक कमिटी न्यायालय की तरह काम करती है, सबके पक्ष सुनती है, करती है, लेकिन ये सदन न्यायालय की तरह काम नहीं करता, ये तो उस कमिटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। क्लियरिटी है ना इस बात पर? कोई कोई कंफ्यूजन है? नो देखो, मैं आपकी तरह विद्वान वकील नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे अध्यक्ष चुना है तो मैं नियम के तहत बात कर रहा हूं, बिना नियम के बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप देखिए, आप दो बड़े वकील हैं, जस्टिस हैं दो वकील, आप तीसरे वकील, आप वकील हैं तीनों, तीनों वकील एक बात बताइए कि ये समिति के अंदर ये सब चर्चाएं होनी चाहिए, ये हाउस में थोड़ी चर्चा होगी? गंभीरता इससे भी पता चलती है, टीएमसी के अपने सदस्य नहीं आए, प्लीज वो ही साथ में नहीं, आधे अधूरे, प्लीज ये सब प्रोसीजर इथिक कमेटी हो, विशेषाधिकार कमेटी हो, अपनी जितनी भी कमेटियां हो, उन कमेटी प्रस्ताव करती है, उस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है। नो, आप उस पर सवाल उठा सकते हो ना, आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि न्याय करो, ये तो उस प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। नो गिरधारी यादव जी प्लीज, नो आप उसको गलत तरीके से इस सदन को पेश कर रहे हो, ये सदन इसके लिए नहीं है। गिरधारी यादव जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरधारी यादव जी, आज मैं इस सदन में जो खड़ा हुआ हूँ बड़ा ही पीड़ादायक है। एक तो हम एक माननीय सदस्य को एक्सपेल कर रहे हैं, दूसरे साथ ही साथ ये दुर्भाग्य है इस सदन का कि हमारे माननीय निशिकांत जी को तो हमने क्रॉस करने के लिए बुला लिया, लेकिन दर्शन हीरानंदानी उसने एफिडेविट दिया, उसको नहीं बुलाया, तो हम तो एमपी से नीचे हो गए। क्यों बुलाया गया निशिकांत जी को? यदि एफिडेविट पर ही विश्वास करना था, निशिकांत जी के माननीय सांसद को वो विश्वास क्यों किया गया? जब यह किया गया था तो दर्शन को भी बुलाना चाहिए था। ये तो दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय, ही तो मेंबर ऑफ द कमेटी, ये क्या बोल रहे हैं? एक ये मेंबर ऑफ द कमेटी क्या बोल रहे हैं? और ये आपके निर्णय के खिलाफ बार-बार सजा नहीं हो सकता है? हसन मसीदी दर्शन, हम लोगों ने कमेटी में मांग किया था, हमारे कमेटी ने कहा था बुलाएंगे और नहीं बुलाया, कोई चर्चा नहीं हुआ। हसन मसीदी जी, हसन मसूदी जी आप बोलना चाहते हैं? हसन मसूदी जी, सर, ऑनरेबल स्पीकर, सर देयर कैन बी नो डिसएग्रीमेंट विद द ऑब्जर्वेशन मेड बाय यू दैट इट इज नॉट द ऑनरेबल स्पीकर दैट इज टेक is the honorable speaker who has to take a decision, but it is the house that has to take decision, but that must not make us depart from ye. Hasan Masoodi ji aapke sadasya hain sir, Hasan Masoodi sir, Hasan Masoodi ji sir, there can be sir aap boliye na Girdhari ji, aap Girdhari ji boliye na, नहीं नहीं आप वहां से बोलिए, अपनी सीट पे जाके बोलिए अध्यक्ष महोदय, यहाँ माइक चालू नहीं होगा आपका, वहीं बोलो अपनी सीट पे जाके, आ गया तो बोलेंगे, नहीं आज क्या करें। अध्यक्ष महोदय आपको बता रहे हैं, हम लोगों को आचार समिति के अध्यक्ष ने कहा था कि दर्शन हीरानंद नानी को बुलाएंगे, उन्होंने नहीं बुलाया। दानिश जी हम हमारे चेयरमैन खड़े हैं, कोई बात ही नहीं हुआ, दो मिनट में खत्म मीटिंग, आए उधर से सर, डिसेंट नोट दीजिए, का मेंबर है, डिसेंट नोट भी शामिल नहीं किया आपने, अगर सब बेसिक कमेटी का मेंबर को मौका देना चाहिए, और एकदम एकदम फॉल्स रिपोर्ट, कोई चर्चा नहीं, हमारा प्रतिष्ठा का हनन किया गया, हम एमपी को बुलाते हैं और पूंजीपति को नहीं बुलाते हैं जो आरोप लगाता, न्याय प्राकृतिक होना चाहिए। देख महोदय हम जानते हैं आप जिस चेयर पर बैठे आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आप बताइए न्याय दिखना भी चाहिए, फिर आप गलत, न्याय दिख नहीं रहा है, आपने नहीं बुलाया और हमको बुला लिया, और जहां तक पासवर्ड, प्लीज एक मिनट प्लीज बैठिए, माननीय सदस्यगण बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरा अधिकार नहीं है
ये सभा का अधिकार है, आप अपने शब्दों को ठीक से बोलो, कोई मैं न्यायाधीश थोड़ी हूँ जो मैं निर्णय कर रहा हूँ, ये सभा का अधिकार है, अगर सभा का अधिकार नहीं तो फैसला सुना देता मैं, ये सभा का अधिकार है। ठीक है अध्यक्ष महोदय, और जहाँ तक शपथ पत्र का, शपथ पर नहीं हो सकता है, क्रॉस पर होना चाहिए था, बिना काम का शपथ पत्र पर किसी को सजा नहीं दे सकते। और हमारे एक माननीय हमारी डॉक्टर हिना जो सांसद सदस्य हैं, उन्होंने कहा पासवर्ड, पासवर्ड कभी नहीं दिया गया, पासवर्ड में हुआ मोहित्रा जी के पास था, भले लॉगिन कहीं से हो, और हम हमारा भी पासवर्ड मुझे याद नहीं है, मेरे पीए के पास है, मैंने कोई प्रश्न नहीं किया इस बार लोकसभा में डर से कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हम तो आज तक मेरा प्रश्न दूसरा करता था, मैं कभी अपना प्रश्न बनाता नहीं हूँ, बहुत सारे एमपी नहीं बनाते, बहुत वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे जो दो घंटे में पढ़ लिए, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं पढ़ पाए, और मैं प्रश्न अपना कभी नहीं करता हूँ, मेरा पीए करता है, मेरा और स्टाफ करता है, और मैंने इस बार एक भी क्वेश्चन डर से नहीं लगाया, लोकतंत्र में डराया गया है, आप मैंने नहीं किया, हमको आता ही नहीं है, हम तो लिख, हमको तो कंप्यूटर चलाना अध्यक्ष महोदय नहीं आता है, हम तो लिख के दिए, मुझे दिया जाए नहीं दे रहे, नहीं जानता हूँ क्या करें, हम तीसरी बार सांसद हैं, चार बार एमएलए हैं, बुढ़ारी में सीख सकते हैं, हम बूढ़े का वो पोस्ट मांगता है, लालू जी कहते थे, नहीं हो सकता है, मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, 377 बड़ी मुश्किल से डाला, इसके पहले पूरा प्रश्न करता था, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते, इसलिए जिना काम का बा जबरदस्ती, ये मनुस्मृति में कहा गया है सबके लिए अलग अलग कानून होगा, वही मनुस्मृति भारतीय जनता वाटे वाली लागू करना चाहते हैं, ये मनु का धर्म नहीं है, ये मनु का समय नहीं है, लोकतंत्र है, इसलिए लोकतंत्र में आप लोकतंत्र का गुलाम मत दबाइए, लोकतंत्र का हत्या मत करिए, महुआ मेहता का जो प्रश्न है, एक मिनट प्लीज अपराजिता, एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट, एक मिनट, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्न खुद बनाए और खुद डाले, हमारे प्रश्न कोई भी बनाकर नहीं डाल सकता, आपके खिलाफ इस विषय को लेकर गंभीर कार्रवाई हो सकती है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप, नो इस संसद की गरिमा को मैं निगरने दूंगा, क्योंकि मैं यहां का कॉन्स्टिट्यूशन मैं सभापति हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है सभी मान्य सदस्यों की गरिमा को बनाए रखना, आप इस बात से सहमत हैं इनकी बात से, क्या मान्य सदस्य खुद अपने प्रश्न नहीं बनाता, हमारे प्रश्न कोई और बनाता, ये बात से सहमत हैं क्या आप, क्या करेंगे, मैं जो बताता हूँ महुआ मित्र को आप 10 मिनट का जगह 5 मिनट नहीं तो 7 मिनट बोलने दीजिए, इसमें अच्छा रहेगा ये डिबेट, नहीं आप उनकी बात से सहमत हैं क्या, कोई सच बात, कौन कौन बात पर, गिरधारी जी यादव की बात पर, क्वेश्चन हर एक मिनट, हर व्यक्ति क्वेश्चन करना चाहता है लेकिन जानता नहीं कैसे कर सकता है, ये बात है सर, वो एडमिट करता है कि मैं नहीं जानता, मेरा पीए को पास मैं पासवर्ड दे देता, उन्होंने ये बताया, आप एक दिन टेस्ट कराए ना सब मेंबर को, उन्होंने कि तुम्हारा पोर्टल खुल के तुम पेपर निकालो, उन्होंने ये भी आई वांट टू सी पोर्टल खुल के तुम रिपोर्ट निकालो, आप 10-10 करके एमपी को आपका घर में बैठा के आप कोशिश करके देखिए, माननीय सदस्य उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं क्वेश्चन ही नहीं बनाता हूं, नो क्या है, चलिए कहा आप ले जाते ही? हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं, हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं, हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं लिख के, दोनों है, ऑनलाइन भी हार्ड कॉपी भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं, आपने मुझे इस अहम विषय पर बोलने का मौका दिया। संक्षिप्त में बोलना आप। यह विषय बहुत अहम है क्योंकि यह संसद की मर्यादा के विषय में है, यह विषय अहम है क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ विषय है,
हम संसद की मर्यादा की बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। और जब एक व्यक्ति किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुना जाता है तो वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करता है। और निश्चित तौर पर मैं कहूंगी बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जब हम इस जिम्मेदारी से चूक करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न उठेंगे। और जितने भी विपक्ष के मेरे बंधु बैठे हैं, मैं एक ही प्रश्न करना चाहती हूं कि यह जो मैडम महुआ मैत्र हमारी माननीय सांसद, हमारी माननीय सहकर्मी ने किया, वह सही था या गलत था? हम सब दिल पर हाथ रखकर कहें, संविधान को याद करके कहें, या गलत था या सही था? देखिए, मैं आपको निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी सर, मैं निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी कि सर, तीन बैठकें हुई और इन तीन बैठकों में इन्हें समुचित समय दिया गया बोलने का, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया, लेकिन सर, इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, वॉकआउट कर गई। सर, हम सुनना चाहते थे लेकिन इन्होंने अपनी बात नहीं रखी, और इसी वजह से हमने सर एफिडेविट हमने पढ़ाई की। श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय अध्यक्ष, मैं सर उसके बाद कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट को भी सुना, और उसके पश्चात हमने रिपोर्ट दिए हैं, और रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए गए। मुझे लगता है मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी प्रस्ताव मतदान के लिए रखने का, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा के प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा सांसद द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन के प्रश्न पूछने के बदले नकदी के प्रत्यक्ष संहिता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को समापन पर रखे गए आचार संहिता प्रतिनिधि को विचार करने के संबंध में जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए हैं, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत। माननीय मंत्री जी, सर, आई बैक टू मूव द फॉलोइंग दैट दिस हाउस डू एग्री विद द रिकमेंडेशन कंटेंड इन द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन एथिक्स on complaint dated 15th October 2023 given by Shri Nishikant Dubey MP against Shrimati Mohua Maitra MP for the direct involvement in cash or curry in parliament with reference to the examination and investigation of the alleged unethical conduct of Shrimati Mohua Maitra MP laid on the table of the House on 8th December 2023. मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने नैतिक आचरण की शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में नीत सिफारिशों से सहमत है, जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए हैं, जो विरोध में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री मोमा मोत्रा के निश्चय समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। सर, आई मूव द फॉलोइंग विथ योर परमिशन दैट दिस हाउस हैविंग टेकन नोट ऑफ फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमिटी
ऑन एथिक्स ऑन कंप्लेंट गिवन बाय डॉक्टर निशिकांत दुबे एमपी अगेंस्ट श्रीमती मोहा मोहित्रा एमपी वेर इन शी हैज बीन फाउंड टू बी द गिल्टी ऑफ अनएथिकल कंडक्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस फॉर शेयरिंग हर लोकसभा क्रेडेंशियल्स दैट इज यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑफ द लोकसभा मेंबर्स पोर्टल टू अनऑथोराइज पर्सन एंड इट्स इररेप्रेसिबल इम्पैक्ट ऑन द नेशनल सिक्योरिटी वेर इन हर कंडक्ट हैज फर्दर बीन फाउंड टू बी अनबिकमिंग ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर एक्सेप्टिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन थ्रू गिफ्ट एंड अदर फैसिलिटीज फ्रॉम ए बिजनेस मैन टू फर्दर हिज इंटरेस्ट व्हिच इज ए सीरियस मिस डेम्यूरियम एंड हाईली डिप्लोरेबल कंडक्ट ऑन हर पार्ट एक्सेप्ट अबव रिकमेंडेशन एंड फाइंडिंग्स ऑफ द कमिटी एंड रिजॉल्व दैट कंटिन्यूंस ऑफ श्रीमती मोहा मोहित्रा एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ लोकसभा इज अनटेनेबल एंड शी मे बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा। अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न ये कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोहित्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निरीक्षकों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोहित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण को लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.